तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है आपके उस पर? इधर आइए, क्या लिखा है बताइए। पहले लगे आपके आपके वोट फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट ले जाएंगे आप। इसका क्या मतलब? एक्शन सर, इस अभी इतना आपको नहीं पता है। क्या है आपके बोर्ड पर निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये से टू नो वेल्थ वल्चर्स। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या मैसेज है इस बोर्ड का? अच्छा, इस पर क्या लिखा हुआ? से नो टू वेल्थ राइटर। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि सर यहाँ पे कांग्रेस के विरुद्ध लड़ रहे हैं ताकि हम जो चीज सबको चाहिए वो मिल सके। क्या? जो सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे क्या? अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? ओह नो, बीजेपी को किससे हो सके? समझ रहे हो आप? क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। पांक माँ बहनों के। क्या बोला तूने? रुको जरा, सबर करो। क्या लिखा है आपके बोर्ड पे? पढ़ के बताइए क्या लिखा है। माँ बहनों के गहनों पर ना नजर जाड़ो, नजर गड़ाओ। अबे साले। हाँ, नारी शक्ति के क्रोध से खौफ पूरा। पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। गजब बेइज्जती है। यहाँ क्यों आए हैं पता है आपको? हम सपोर्ट करने आए हैं किसको? वोट वोट। क्या लिखा है आपके? वोट। मैंने लिखा 70 साल में ना दिया जल न बत्ती, अब छिनेगी आधी संपत्ति। इसका क्या मतलब? मतलब क्या है हमारा? ये है कि जो बोलने वाले हैं हमको उनको नहीं लेके आना, जो काम करने वाले जो देश। इसका मतलब क्या है? जो आप कर लेके आए हैं तख्ती मार्च में, इसका संदेश क्या है? जो 70 साल में जो नहीं दिया वो सरकार ने अपने जो भी 10 साल 15 साल के अपने कार्यकाल। आप छीनेंगे आधी संपत्ति, कौन छीन? कहाँ बोला है ऐसा? वो केवल बोलते हैं, उनका अभी तक जहाँ भी देखा मैंने केवल वो बोलते हैं। जो चार लाइनें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हम लोग लोगों को ऐसा बता रहे हैं कि आप जो देश में काम कर रहे हैं आप उनको लेकर, जो 70 साल में आज तक कुछ नहीं कर रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? ठीक है, नो प्लेस फॉर अर्बन। पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। पंद्रह 17 साल पढ़ लिया, कुछ काम ना आया। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।